हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सर हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो इंस्टीट्यूट है वो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है एंड ये कॉलेज एस्टैब्लिश है GGSIPU न्यू दिल्ली से। तो इसकी जितनी भी प्रोसेस है, इंजीनियरिंग के लिए इतना अच्छा खासा नाम है इसका हरियाणा में, सोनीपत में, तो इसकी सारी प्रोसेस हम जानेंगे इसी वीडियो में एंड जानेंगे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर। और इवन अगर आपका अच्छा खासा स्कोर नहीं है तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैसे हो सकता है, कैसे डायरेक्ट एडमिशन आपका यहाँ पे हो सकता है अगर आपकी रैंकिंग अच्छी खासी नहीं आई JEE या फिर IPCET में, तो सारी चीजें इसी वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है जिससे आपको ये समझ आता है कि 50% ऑफ यहाँ पे जो सीट है वो जैन कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है एंड इसके अलावा 50% जो टोटल सीट है वो आपको सबके लिए अवेलेबल है, मतलब सारी कम्युनिटी वहाँ पे एडमिशन ले सकती है। एंड अगर बात करूँ लोकेशन की तो जगदीशपुर सोनीपत हरियाणा में ये जो कॉलेज है वो लोकेटेड है। अच्छी खासी लोकेशन है, प्यारी सी लोकेशन है एंड 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट कॉलेज है। कोर्सेज आप यहाँ पे UG PG दोनों ही कर सकते हैं, 7 UG 3 PG डिग्री आपको यहाँ पे टोटल मिल सकती है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म अगर मैं बताऊं तो आप ऑनलाइन यहां पे सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एंड आप इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहां के एंट्रेंस एग्जाम की, तो IPCET और JEE मेन के एग्जाम के थ्रू आपका यहां पे एडमिशन हो सकता है। लेकिन इसमें अगर आपकी अच्छी खासी रैंक नहीं आई है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी यहां पे हो सकता है। इसकी क्या प्रोसेस है वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो में प्लीज पूरे बने रहना। उससे पहले हम बात करते हैं यहां की एफिलिएशन के बारे में। तो GGSIPU न्यू दिल्ली से ये जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड है, ठीक है, दिल्ली NCR के एरिया में ये ओवरली आ जाता है, वैसे बाहर है लेकिन आ जाता है। और अगर बात करूं अप्रूव की तो AICTE से ये कॉलेज अप्रूव्ड है प्रॉपरली। तो चलिए ये सारी तो हो गई इनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम बीटेक के लेके इंजीनियरिंग के अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सारी चीजें जानना चाहेंगे, तो हम बीटेक के बारे में बात कर लेते हैं क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या यहाँ की स्पेशलाइजेशन है, टोटल सीट कितनी है। तो बीटेक आपका 4 साल की ड्यूरेशन का यहाँ पे कोर्स है, एलिजिबिलिटी 55% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। JEE मेन IPCET के स्कोर के अंडर आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी टोटल 30 सीट्स अवेलेबल है, सिविल में आपकी यहाँ पे 30 है, ECE में आपकी 30 है, CSC में आपकी 180 टोटल सीट है। कंप्यूटर साइंस आपको मोस्टली चाहिए होती है तो 180 टोटल सीट यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो 1.80 मतलब 1.8 लाख आपका टोटल यहाँ पे फीस रहने वाली है पर ईयर की। इसके अलावा आपका एडमिशन चार्ज, सिक्योरिटी फीस और मिसलेनियस चार्जेस कुछ होते हैं जो एडमिशन के टाइम आपको पे करने होते हैं एंड हर साल आपकी 1.8 लाख फिर फीस रहेगी, ठीक है। अब हॉस्टल की फीस यहाँ पे अलग है, हॉस्टल के चार्जेस अलग है, मैस के और AC के फैसिलिटी अवेलेबल है उसके चार्जेस लेकिन अलग होते हैं, ठीक है, 60-70,000 अप्रोक्सीमेटली ऐसा रहता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अब आप कट ऑफ के बारे में, अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की तो बीटेक CSE की यहाँ की जो IPCET की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो थी 2,17,307। अब ये सारी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब बारी आती है डायरेक्ट एडमिशन की कि ये सारी चीजें तो आपने बता दी लेकिन IPU या फिर IPCET या फिर JEE मेन में इतना रैंकिंग है नहीं जो एडमिशन हो पाए, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, आपको आपकी मनपसंद स्ट्रीम दिलाने में। तो यार ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, हमें अपने सवाल जवाब करें, बातचीत करें और अपने एडमिशन बुक कराएं। एंड इसके अलावा गेट एडमिशन बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जैसे फ्री करियर काउंसलिंग, लोन की फैसिलिटीज या फिर स्कॉलरशिप, कॉलेज तो प्रोवाइड करता है लेकिन गेट एडमिशन आपको अलग से प्रोवाइड करता है। एक बार कॉल जरूर करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए एंड आपका बिल्कुल मतलब अच्छी सी प्रोसेस से एडमिशन हो जाएगा। एंड अब अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, 25 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है और 4-6 लाख आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रहता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, स्टेट कोटा स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, ठीक है। मेरिट बेस्ड में आप समझ सकते हैं IPU के हर कॉलेज में आपको वो मिलती है, 75% 100% तक स्कॉलरशिप आपको मिलती है अगर आपके 12th में JEE मेन या फिर IPCET में अच्छा खासा आपने मेरिट लिस्ट गेन किया, जितने मार्क्स हैं उतने हिसाब से आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अब मैं बात करूँ यहाँ की फैकल्टी की, द फैकल्टी एट MSIT आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। टोटल फैकल्टी यहाँ पे 50 है और यहाँ पे आपको वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी मिल जाएगी, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल मिल जाएगा, AC क्लासरूम्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, कैफेटेरिया भी मिलेगा, ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। एंड इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपोजर जो एक बहुत ही अच्छी चीज है, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी आपके यहाँ पे होते रहते हैं। तो बस ये सारी चीजें, जरूर अप्रोच करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।